हेलो दोस्तों, माय नेम इज सत्यम और मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एंजॉयमेंट टेबल, और मैं आपको बताता हूँ कि ये एंजॉयमेंट टेबल नहीं बनाने वाले, मतलब एंजॉयमेंट टेबल के साथ उसका जो पूरा सेटअप होता है वो बनाने वाले। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि, और ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास कितने सारे विलेजर्स हो चुके हैं। अगर आपको ये फार्म कैसे बनाता है वो देखना है तो मैं उसकी लिंक भी आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप वो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा है ये बिल्ड, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा विलेजर्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम एंजॉयमेंट टेबल कहाँ बनाने वाले और उसका जो पूरा सेटअप बनाने वाले वो हम हमारे घर में ही बनाने वाले हैं। और उसके सेटअप के लिए क्या क्या रखते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बुक शेल्फ के लिए बुक लगेंगी, और बुक बनाने के लिए आपको पेपर और लेजर लगेगा, और लेजर बनाने के लिए लेजर नहीं और पेपर बनाने के लिए हमें लगेंगे शुगर केन। तो हमारे पास शुगर केन फार्म और जो लेजर फार्म है दोनों है, तो हम इजीली सारा कुछ सामान बना सकते हैं। और जो एंजॉयमेंट टेबल बनाने के लिए लगते हैं ऑब्सिडियन डायमंड एंड जो बुक होते हैं वो लगती है, तो हमारे पास वो भी सामान है। भाई साहब ऊपर तो चल, तो ठीक है अभी हमें बनाने पड़ेंगे पेपर्स। तो हमारे पास पेपर्स बनाने के लिए शुगर केन लगते हैं, मैंने जैसे कि कहा है, और हमारे पास शुगर केन तो बहुत है, तो पहले हम लेजर उठाते हैं बाद में शुगर केन भी ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास लेजर आते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे पास 64 और 29 लेजर है। यहाँ पे शुगर केन होंगी तो वो भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास शुगर केन की कोई कमी नहीं है। तो सारा मैं शुगर केन जितना चाहिए होगा वो मैं ले लेता हूँ पहले। तो पहले हम पेपर बना लेते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर। हमने अभी सारा पेपर तो बना लिया, अब हमें थोड़ी सी बुक बनानी पड़ेंगी, और हमें 45 बुक लगने वाली है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगा क्योंकि ये डेकोरेशन में भी अच्छा काम आता है। तो मैं जितनी बुक्स बनेंगी उतनी बुक बना लेंगे, और एंजॉयमेंट भी करनी पड़ती है, तो अभी हम सारों की बुक बना लेते हैं। तो अभी हम बनाएंगे बुक शेल्फ बनाते हैं, अभी उसके लिए पहले वुड लगेगा, इसके लिए हमें 15 जो बुक शेल्फ होते हैं वो लगने वाले हैं। तो हमें 15 से ज़्यादा ही बनाएंगे, थोड़ा डेकोरेशन में भी अच्छे लगते हैं। 30 लेवल एंजॉयमेंट टेबल होता है उसके लिए 15 लगते हैं बुक शेल्फ। तो अभी ये सब बाकी का जो सामान है वो मैं इसमें रख देता हूँ। तो अभी हमारे पास सामान तो पूरा का पूरा आ चुका है, हम थोड़े से बैरल्स भी बना लेते हैं। तो मुझे जो सारा का सारा सामान जो चाहिए होगा वो तो मैंने यहाँ पे ला लिया है, अभी मैं सीधा रख देता हूँ। जहाँ यहाँ पे रखेंगे सीधा एंजॉयमेंट टेबल, और इसके पीछे मेरे ख्याल से एक काम कर लेता हूँ, ये मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पे नहीं यहाँ पे रख देंगे। तो अभी सीधा यहाँ से इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, थोड़ा सा 1 2 3 आएगा यहाँ पे, बाद में वहाँ यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, देख सकते हो आपकी 9 तो लग चुकी है। अब उसके ऊपर लगाएंगे बाकी की, जिससे जो सारा जो बुक है वो पकड़ ले। 13 14, और मेरे ख्याल से एक बच रहा है, तो एक हम यहाँ पे लगा देंगे। और जो सिमेट्री होने के लिए हम इसे भी लगा देते हैं, देखते हैं कि ये कितने का बना है। मेरे ख्याल से 30 का तो बन ही गया होगा, ये देख सकते हो आप 30 का बन चुका है। तो अभी मैं आपको कैसे इसमें एंजॉयमेंट लेनी है वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ी सी जो डेकोरेशन है वो भी कर रहे थे। यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, और भी मैं इसमें डेकोरेशन करने वाला हूँ। अभी मेरे पास पूरा का पूरा जो सामान है वो तो है नहीं, तो अभी मैंने जो अपना पूरा एंजॉयमेंट सेटअप है वो बना लिया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने जो थोड़ी सी डिजाइनिंग की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब डेकोरेशन। यहाँ पे मैंने एक एन्यूल लगा जिसका हमें यूज़ होता है, जो हमारे सारे जो यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है ना वो सारी यूज़ होती है। जो ये सारी चीज़ें वो एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, हम इसमें थोड़ा सा सामान भी रख सकते हैं जो मैंने बैरल रखे, और यहाँ पे हमने जो हमारा एन्यूल है वो भी रखा है, जिसमें से हम किसी भी बुक को भी डाल सकते हैं, मतलब कौन सा भी एंजॉयमेंट हम डाल सकते हैं किसी भी चीज़ को बुक की मदद से। और हमने यहाँ पे जो ग्राइंडस्टोन होता है वो भी रखा है, जिसकी मदद से हम किसी भी जो एंजॉयमेंटेड बुक या फिर एंजॉयमेंटेड हमारा वेपन्स होते हैं उसे डिसएंजॉय करने में हेल्प होती है। तो हमने सारा सामान तो यहाँ पे रख लिया, आप थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी करते हैं। और हमारे जो हमारे पास अभी तो कुछ नया तो यही है, तो इसको कुछ अच्छा सा हमें मिल जाए जो अच्छा है। हमें अभी यहाँ पे शार्पनेस भी मिल रहा है थोड़ा सा, अगर हम एंजॉयमेंट कम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं टॉर्च की मदद से। आप जितने टॉर्चेस लगाओगे उतनी आपकी जो एंजॉयमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और आपको थोड़ी सी लो एंड वाली एंजॉयमेंट भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमें स्माइट ट्री मिल रहा है, स्माइट ट्री होता है वो वेदर पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हमें स्माइट ट्री नहीं चाहिए, और थोड़ी जो इंजॉयमेंट है वो हम कम कराते हैं, और बाद में देखते हैं कि हमें कितना कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। अब अभी भी स्माइट 2 ही मिल रहा है यहाँ पे, फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे अनब्रेकिंग 2 है, वो अभी तो अभी तक के लिए तो ले ही लेते हैं। हमें एक एक्सपी फार्म की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो भी हम बनाएंगे इन फ्यूचर, और अगर हम जॉम्बी वाला बना पाए तो अच्छा है। जो हमारा ग्राइंडस्टोन है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे एंजॉयमेंट कोई भी है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे अनबैकिंग टू और एफिशिएंसी टू है, तो इस पर मैं नहीं निकालूंगा, पर यहाँ पे स्माइट है इसमें से मैं निकाल लेता हूँ, और दिखाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी सी एक्सपी भी मिल जाती है यहाँ से, तो हम फिर से एक बार इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इस बार हमें फायर एक्सपेक्ट 2 मिल रहा है,
तो मैं जब डायमंड की सॉर्ट करूंगा तो उस पर फायर एस्पेक्ट 2 लगाऊंगा। और इतना बनाने के बाद हम यहाँ पे अगर विलेजर्स को ला के रखेंगे, यहाँ पे मैंने जगह रखी है तो यहाँ पे मैं विलेजर्स को भी रखने वाला हूँ। वहाँ पे मैं शायद मेंडिंग वाला विलेजर्स रखूंगा और इस तरफ भी रख सकता हूँ, दो तरफ दो जो हमारे मेंडिंग वाले विलेजर्स हैं और फॉर्चून वो कोई भी अच्छा सा विलेजर्स मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मुझे विलेजर्स को यहाँ पे लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इंजनमेंट, सॉरी तो इस वीडियो में हम इंजनमेंट